ये है हीरो इलेक्ट्रिक का NYX HX इलेक्ट्रिक स्कूटर डुअल लिथियम आयन बैटरी के साथ, जो 4 घंटे में चार्ज होने पर 120 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इस पर आपको 45,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है। इसके फीचर्स क्या हैं, प्राइस क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इस पर वारंटी कितनी मिलती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो इसका जो लुक है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लासिक मिलता है, और इसका जो वाइजर है वो यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ। और इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, जिसमें आपको लो बीम और हाई बीम की रोशनी भी मिल जाती है। इसके एप्रेन के सेंटर में आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन, और इसके साइड में आपको इलेक्ट्रिक का ब्लैक कलर का स्टिकर मिल जाता है डुअल टोन कलर के साथ। नीचे की साइड में आपको एयर वेंट के साथ साथ हीरो इलेक्ट्रिक का यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है। दोनों साइड में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपको काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिलता है। इसका जो फ्रंट वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी का दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। टायर के साइज़ की बात करें तो 3 00 10 का यहाँ पर आपको TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 10 इंच के अलॉय व्हील के साथ। सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक फ्रंट में आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के साथ। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो फुली डिजिटल टाइप का मीटर कंसोल दिया गया है। यहाँ पर आपको बैटरी की परसेंटेज, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर, और यहाँ पर आपको साइड में इंडिकेशन की वार्निंग मिलती है। नीचे आपको हीरो इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम के साथ पासिंग स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। इसके दूसरी साइड में आपको मेन हेडलाइट का स्विच और नीचे आपको पार्किंग का स्विच देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम इसकी टॉप स्पीड को यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो इसकी टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इस स्कूटर में आपको जो है 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है जब भी आप इसको चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो अभी स्कूटर खड़ा है तो इसमें आपको 53 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दिख रही है। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस स्कूटर में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इस स्कूटर में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाने के लिए क्षमता मिल जाती है। और आप इस स्कूटर को जो है डिलीवरी टाइप की जो भी जॉब होती है उसके लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। इस स्कूटर को 141 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। इसका जो लेग स्पेस एरिया है वो यहाँ पर आपको काफ़ी चौड़ा मिलता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं। की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको की पॉइंट मिल जाता है, कैरी हुक मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी की को देख सकते हैं। और इसके ग्लव बॉक्स के अंदर की साइड में आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको पानी की बोतल रखने के लिए होल्डर मिल जाता है। और इस स्कूटर में आपको 2 लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। बैटरी B1 और बैटरी B2 को चार्ज करने के लिए आपको 2 सेपरेट यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाते हैं, जिससे आप इस स्कूटर की दोनों ही बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं अपनी डिमांड के अनुसार। इसके साइड बॉडी पैनल के ऊपर की साइड में आपको हीरो इलेक्ट्रिक NYX HX का 3D के साथ यहां पर आपको बैजिंग मिल जाती है। ऊपर आपको मैट फिनिश मिलती है, नीचे आपको 0 एमिशन का स्टीकर, नॉन एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलते हैं। और इसके साइड बॉडी पैनल के अपर सेक्शन में आपको रेड कलर की स्टिकरिंग के साथ यहाँ पर आपको लिथियम पावर का स्टीकर, और इसके रियर सेक्शन की बात करें तो N12B का यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है। इसके टायर के साइज़ की बात करें तो TVS कंपनी के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जिसका जो साइज़ है वो 3 00 10 का दिया गया है। और पीछे में आपको कॉइल स्प्रिंग एडजस्टेबल टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं, जिसको आप अपनी डिमांड के अनुसार एडजस्टमेंट कर पाएंगे। बैटरी की बात करें तो 48 वोल्ट 30 एम्पियर की यहाँ पर आपको 2 लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है, जो कि नॉन डिटेचेबल हैं, जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसको चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इसकी मोटर पावर की बात करें तो इसके रियर व्हील के अंदर आपको 600 वाट की VLDC मोटर मिलती है, जिसमें आपको 1300 वाट का पीक पावर मिल जाता है। और इसके अपर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको सामान कैरी करने के लिए आपको एक हुक मिल जाता है। और इसका जो फ्रंट वाला सीट की जो कुशनिंग है वो यहाँ पर आपको काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम मिलती है। इसकी जो पीछे वाली सीट की जो कुशनिंग है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिलती है। इसकी जो पीछे वाली सीट है वो यहाँ पर आपको फोल्डेबल मिल जाती है ऑप्शनल के साथ, जिसको आप आसानी से फोल्ड करके पीछे की साइड में आप स्पेस कर सकते हैं। इसके ऊपर की साइड में आप बहुत सारा सामान भी कैरी कर सकते हैं, और पीछे वाली जो सीट है उसको आप एक बैक रेस्ट के अनुसार आसानी से यूज कर सकते हैं, जो कि राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती है और काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। इसकी जो टेल लाइट है वो आपको हैलोजन की मिलती है। दोनों साइड में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको नंबर प्लेट और एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है।
तो अब मैं आपको इसकी सीट को फोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो आप इसकी सीट को ऊपर की तरफ प्रेस करके खींचोगे तो इसकी जो सीट है वो आसानी से फोल्ड हो जाती है। इस स्कूटर में आपको 100 से 120 किलोमीटर तक की आसानी से रेंज मिल जाती है फुल चार्ज करने पर। और आप इस स्कूटर को डिलीवरी टाइप की जॉब के लिए भी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर की साइड में आपको MCB का यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस स्कूटर की 2 लिथियम आयन की बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 2 सेपरेट चार्जर मिल जाते हैं हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से, जिससे आप इस स्कूटर की दोनों ही बैटरी को कनेक्ट करके दोनों ही चार्जिंग की सॉकेट से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इस स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और इस स्कूटर में आपको 100 से 120 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। इसके प्राइस और सब्सिडी के बारे में बात करें तो इस स्कूटर पर आपको 45,000 रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाती है। और इसकी फाइनल ऑन रोड कीमत के बारे में बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक NYX HX डुअल लिथियम आयन बैटरी के साथ ये स्कूटर आपको सब्सिडी काटने के बाद आपको ऑन रोड मिल जाता है सिर्फ 86,000 रुपये में, 86,000 रुपीज़ में। वारंटी के बारे में बात करें तो इस पर आपको मोटर बैटरी कंट्रोलर चार्जर पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ। ये ऑनरोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है हीरो इलेक्ट्रिक ग्रीन एनर्जी शोरूम बागूहाटी BIP रोड कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप कोलकाता या आसपास से हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।